बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ क्योंकि पिक्चर देख चुकी हूँ, रिएक्शंस भी काफ़ी देख चुकी हूँ. बिल्कुल नर्वस नहीं, आई एम नॉट एक्साइटेड. ये वाला आंसर ना बस मैंने कुछ हज़ार बार ही दिया होगा, ज़्यादा नहीं. बट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अमित जी के साथ जब काम करना हो तो वो एक लैंडमार्क बन जाता है अपने करियर में. बाकी अभी तो बाद में रिजल्ट के टाइम पता चलेगा कि अब एक्चुअली वर्क विद हिम, वो वाला सीपिन अब होना शुरू हो गया है. जैसे हम काम कर रहे थे उनके साथ, वो तो को स्टार की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे. अब चीज़ें लगने लग गई हैं कि हाँ, मिस्टर बच्चन के साथ काम किया, ये तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत टर्निंग पॉइंट रहेगा. हार्ड हिटिंग फिल्म है, एकदम बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़े सीरियस टॉपिक के ऊपर फिल्म है, बट बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म है. एंड सबका परफॉर्मेंस अच्छा है इस फिल्म में, तापसी पन्नू का, बाकी के जो गर्ल्स आई डोंट रिमेंबर देयर नेम्स, बट अंगद ने अच्छा काम किया है. आई कम टू सी द फिल्म बिकॉज ऑफ अंगद एंड सुजीत सरकार प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म. तो एक हार्ड हिटिंग इंटरेस्टिंग फिल्म है, एक बड़े सीरियस टॉपिक के ऊपर, और एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाई. लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब होगी कि नहीं फिल्म? आई एम श्योर जो लोग देखेंगे, और वैसे भी मतलब एक सीरियस टॉपिक है जो, एंड एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है, एंड अ वेरी हार्ड हिटिंग फिल्म इन दैट सेंस, सो द मैसेज विल कम अक्रॉस. सर हाल ही में टिकट के शो में आपने अगले साल शुरू होगी इंशाल्लाह. बहुत ही अच्छी लगी पिक्चर, बहुत बहुत फैंटास्टिक है एक्चुअली, कहानी से लेके डायरेक्शन तक. अनिरुद्ध, सुजीत सरकार, मतलब जो एक्टर्स हैं जिन्होंने कास्ट किया, दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग. और इस मैसेज, इस फिल्म में एक बहुत बढ़िया मैसेज है. मुझे लगता है जितने सारे मैंने इस देश में, वो सब इस पिक्चर को देखनी है, ज़रूर देखनी है, बिकॉज इट्स अ ग्रेट मैसेज. जी बिल्कुल, नहीं ये एक फिल्म है, आखिरी एक फिल्म है, फिल्म में एक मैसेज है. अगर ये मैसेज से मतलब वी गेट द मैसेज, यू डोंट गेट द मैसेज आई नो, बट द फिल्म तो बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी है, कहानी बहुत ही अच्छी है, एंड दे हैव डायरेक्टेड इट ब्यूटीफुली, एक्टर्स हैव परफॉर्मड सुपर्ब. तो इस तरह की पिक्चर और पिक्चर बननी चाहिए. इट्स अमेजिंग, इट्स सच अ रियल फिल्म एंड इट्स सो रेलेवेंट, एंड आई कम फ्रॉम दिल्ली, सो एक्चुअली इट्स अ ह्यूज इशू देयर क्या, आई थिंक एवरीवेयर इन इंडिया, एंड इट सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट अ लॉट ऑफ गर्ल्स एक्चुअली हैव बीन क्वेश्चनिंग एंड हैव बीन सेइंग. आई एम सो ग्लैड दैट अ फिल्म लाइक दिस हैज बीन मेड. And yeah, all the performances are amazing, and it's just really real, it's intense, and it really grips you throughout. I hope pahunche, yeah, because bahut important cheeze bol rahi hai ye film. Aise bahut sari cheeze hain jo India mein aise kafi log assume kar lete hain. I mean, I will not want to say much because you should watch the film. But yeah, everybody should watch the film, from like teenage girls to all the men, women, everyone. I think it's very, very relevant. Shooting ho chuki hai actually, bas patchwork thoda bahut bacha hai, ek do gaane bache hain. Aur aapki aur upcoming film ka announcement hai. Bareilly ki Barfi, and yeah, I'm very excited about that. I will be starting this shoot soon. In fact, October mein hum chalu karenge shoot. एंड लखनऊ में शूट होगा. सो बहुत एक्साइटेड हूँ अश्विनी के साथ काम करने के लिए. शी इज़ अ सुपर डायरेक्टर. आई लव्ड निलवटे सन्नाटा, एंड ऑफकोर्स आयुष्मान एंड राजकुमार राव. सो एवरीबडी इज़ लाइक रियली रियली टैलेंटेड. स्टोरी बहुत अच्छी है, मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छा मुझे टाइटल लगा था एक्चुअली, बरेली की बर्फी. सो इट्स अ वेरी स्वीट, डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी, एंड आई एम रियली लुकिंग. अरे यार मैं बोर हो गई हूँ इस टॉपिक से, अभी और कुछ बोलो. आपने धोनी का ट्रेलर देखा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? ऑफ कोर्स द फिल्म इज लुकिंग रियली गुड, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. यार ये विमेन सेंट्रिक फिल्म बिल्कुल भी नहीं है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ द ईयर. प्लीज़ आप लोग हमेशा फिल्मों को थोड़ा वो कर लेते हैं ये बोल के विमेन सेंट्रिक फिल्म है. आई थिंक दिस इज अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ द ईयर. एंड मेरे पैदा होने से पहले मिस्टर बच्चन वॉज मिस्टर बच्चन, अब भी वो मिस्टर बच्चन प्लस वन है. ही इज़ अमेजिंग इन द फिल्म, उन्होंने क्या काम किया है, माइंड ब्लोइंग. तीनों लड़कियों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, एंड आई थिंक
फिल्म के सबसे बड़ा हीरो मेरे लिए स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी लिखी गई है और हर परिवार को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, स्पेशली उन परिवारों को जिनमें लड़कियां नहीं लड़के ज़्यादा हैं। यार क्या सवाल पूछ रहे हैं आप मेरे से, अब समाज पे छाप छोड़ जाएगी, आप देखिए हमारे समाज में क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है हमारे समाज पे छाप छोड़ेगी या नहीं? आई जस्ट फील कि एंटरटेनमेंट में जब अलग अलग किस्म की फिल्में होती है तो ये एक ऐसी फिल्म है जो एंटरटेनिंग भी है लेकिन अपना दिमाग बाहर छोड़ के नहीं आना है, और ये मेरी फिल्म भी नहीं है और मैं इसको इतना अच्छा बोल रही हूँ और प्रमोट कर रही हूँ, इसका मतलब कि ये बहुत ही फॉर मी इट इज़ डेफिनेटली द बेस्ट फिल्म ऑफ दिस ईयर। बस यार लगे हुए हैं अभी एक और दो सीन और बचे हैं और फिर पिक्चर कंप्लीट है, फिर सिर्फ गाने बचे हैं एंड काफ़ी मज़ा आया इस बार शूटिंग करने का। ट्रैवल बहुत कर रही हूँ अमेरिका से यहाँ वहाँ वापस, तो थोड़ा हेक्टिक है और इतनी गर्मी मुंबई में हो गई है अभी, पर अदरवाइज इट्स बिन गुड।